नमस्कार दोस्तों, जितने भी दोस्त लोग बिहार सिविल कोर्ट में अप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं और वह यह जानना चाहते हैं कि एग्जाम कब होगा और एग्जाम पैटर्न किस तरह से होगा, नेगेटिव मार्क होगा या नहीं, ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन, मतलब जो भी प्रक्रिया है वो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपके सामने शेयर करने वाले। सबसे पहले बता दें दोस्तों कि सिविल कोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से मिली जानकारी के अनुसार आप लोग का एग्जाम जनवरी के लास्ट वीक में होने वाला है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पहला दूसरा सवाल दोस्तों बता दें कि बहुत सारे दोस्त लोग करते हैं क्या ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन। तो दोस्तों पिछले वर्ष की बात करें तो ऑफलाइन हुआ है और इस वर्ष भी ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन यानी कि सीबीटी का कोई अपडेट ऑफिशियल जारी नहीं किया गया, इसलिए आप लोग का एग्जाम होगा ऑफलाइन। ठीक है, अब तीसरा सवाल यह है कि बहुत सारे दोस्त लोग परेशान थे कि सर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं। तो दोस्तों में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सिर्फ आपको जो है कि एग्जाम देना है, नेगेटिव मार्क नहीं है, जितना बनता है बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सवाल यह है कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको प्री एग्जाम देना होगा, फिर आपका रिटर्न एग्जाम देना होगा जो कि ऑफलाइन मोड ही है, और फिर लास्ट में जो है आपका कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप प्यून वगैरह कलर्क वगैरह में भरे होंगे स्टेनो में, तो जो भी है तो आप लोग का कंप्यूटर लास्ट में टेस्ट होगा, फिर आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह का सब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रक्रिया था आपके सामने शेयर किए, और आपको बता दें इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पे जुड़े रहें। और भी कोई ऑफिशियल अपडेट आता है बिहार सिविल कोर्ट के डिपार्टमेंट की ओर से तो आपके सामने जरूर शेयर करेंगे। उम्मीद है यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। लगा तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी प्रकार के मन में सवाल हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की ओर। धन्यवाद।